मैं थोड़ा सब दा अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी 200 MCQ की जो सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 51 शेयर कर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुसी इस चैनल पर नवे हो अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो तो इस बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहले पहुँच सके। अगर थोड़ा वीडियो अच्छी लगे वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस ही क्वेश्चन नंबर 51 है जिस कि डिस्कों की लड़ी विच किस किस्म के डिस्क इंसुलेटर वरते जाते हैं। ऑप्शन ए कि पिन टाइप, रिंग टाइप, बॉल ते सॉकेट टाइप या फ्रेम टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है बॉल अते सॉकेट टाइप डिस्क इंसुलेटर जड़े है वरते जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 52 है जिस विच है कि जोड़ डेड एंड स्ट्रक्चर तो घट किन्नी दूर होना चाहिए है? जोड़ ऑप्शन है 30 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है जी 30 मीटर की दूरी पर जोड़ होना चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है जिस विच है कि ट्रांसमिशन लाइन की जिहड़ी इंसुलेशन ताकत है घट तो घट किन्नी होनी चाहिए है। 200 मेगा ओम, 300 मेगा ओम, 400 मेगा ओम या 500 मेगा ओम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन लास्ट है 500 मेगा ओम। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है जिस विच आर्म स्टे द पोल तो कौन किन्ना हुंदा है। स्टे वायर द पोल तो कौन किन्ना हुंदा है, 15 डिग्री का कौन हुंदा है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का या 60 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है जी ये एंगल हुंदा है 45 डिग्री का। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है जिस विच है कि स्टे दे विच एग इंसुलेटर धरती तो किन्ना उच्चा पाया जाता है। स्टे दे विच जिहड़ा असी एग इंसुलेटर लगाने हैं वह धरती तो किन्ना उच्चा पाया जाता है। ऑप्शन है 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट या तिना विच्चों कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सैकेंड है जी 10 फुट पर पाया जाता है एग इंसुलेटर। नैक्सट क्वेश्चन है ए सी एस आर एलमीनियम कंडक्टर स्टील रीइनफोर्स दा किन्ना हिस्सा जख्मी होया होवे तां उसनू रिपेयर कर सकते हाँ। ऑप्शन है 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/6 हिस्सा या 1/2 हिस्सा। तो इसका राइट आंसर है जी 1/6 हिस्सा। अगर उसका खराब हो गया तो इनू असी रिपेयर कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है जिस विच कि तापमान बदल दे नाल सैग वधदा है घटदा है जा कोई फर्क नहीं पैंदा जा उपरोक्त विच्चों कोई नहीं। तो 57 का ऑप्शन है कि तापमान वधन दे नाल सैग जिहड़ा वो वधदा है। सैग का तुहानू पता होएगा कि अगर यह साडे कोल दो पोल हन, यह दो पोल दे विच ये साढ़े कोल कंडक्टर है तो ये कंडक्टर तो इस तो जिहड़ी है डिस्टेंस है इनू असी कहने जी सैक। ठीक है और तापमान वधन दे नाल की हुंदा है जो जिहड़ा कंडक्टर है वह एक्सपैंड हुंदा है और एक्सपैंड होने दे नाल की है जिहड़ा सैक है वह वधदा है। इसका ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है जिस विच पोल उपर कंडा तार करते समय धरती तो किन्नी ऊंचाई तो शुरू करनी चाहिए। तो देखा होगा जो ट्रांसफार्मर के नाल पोल लगे होंगे और जो तुम देखा होगा जिते भी ट्रांसफार्मर होंगे उस पोल के नाल जी है वो कंडा तार लगाई होंगी है वो किन्नी ऊंचाई तो शुरू करनी चाहिए है। ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 4 मीटर। तो इसका राइट आंसर है वो 3 मीटर तो शुरू करनी चाहिए है।
नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, जिस दे विच है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइना ते गार्ड क्यों लगाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइना दे गार्ड क्यों लगाए जाते हैं। ऑप्शन एक है जानी अते माली नुकसान ते बचाने दे लई, कंडक्टर दी मकैनिकल ताकत बढ़ाने दे लई, इंसुलेशन दे लई, जां तिन्ना दे विच्चों कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है जो गॉड असी लगाने हैं ये लगाने हैं जानी अते माली नुकसान देने लई। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन लाइन साढ़े को 3-4 wire सिस्टम होंदा है, इस दे विच असी गॉड यूज़ करते हैं। जिथे भी क्रॉसिंग रोड होंदा है जां रेलवे लाइन होंदी है, ताकि अगर कोई भी तार टुट जाती है तो वह रोड दे डिगन की बजाय इस गार्ड दे नाल कॉन्टैक्ट करती है। और जेडे गार्ड है ये पोल दे नाल अर्थ किते होंदे है, पोल दे नाल जो अर्थ वायर होंदी है उस दे नाल कनैक्ट होंदे है। और इसका जो जदों भी कोई शॉर्ट सर्कट जां कोई कंडक्टर ब्रेक होंदा है तो इस दे टच होंदा है तो वह जड़ा कि करंट है वह अर्थ नू फ्लो करता है और जानी ते माली नुकसान दा बचाव होंदा है। इसलिए असी गार्डिंग यूज़ करते हैं। जिहड़ी मैं गार्डिंग तुहानू इस तरह दसी है इहनू असी कहने हैं क्रैडल, क्रैडल गार्डिंग। एक क्रैडल गार्डिंग होंदी है और एक होंदी है केज गार्डिंग, और इस तरह की बनी होंदी है केज गार्डिंग। जदों कंडक्टर साढ़े को वर्टिकल कंडीशन से होंदे है उदों असी केज गार्डिंग भी यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका जो राइट आंसर है जानी अते माली नुकसान। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस दे विच एक फेज LT लाइन जो तो वर्टिकल फॉर्मेशन विच होवे तां किस किस्म की गार्डिंग की जाती है। हुणे असी गल कीती है कि अगर साढ़े कोल जिहड़ी लाइन की फ्रेम है वह वर्टिकल कंडीशन दे विच है, ठीक है जी, तो इस दे विच जिहड़ी गार्डिंग है वह अहीं करदे हां जी केस टाइप गार्डिंग करने हैं। तो ऑप्शन है रिंग गार्डिंग, केस गार्डिंग, ते क्रैडल गार्डिंग, ते तिन्ना विच्चों कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सैकेंड आ जाएगा जी। जदों LT लाइन दे विच वर्टिकल फॉर्मेशन विच होवे तां किस तरह की जिहड़ी है गार्डिंग कीती जांदी है वह असी करते हैं जी केस गार्डिंग। और अगर देखा जाए तो रिंग गार्डिंग भी उत्थे आ जाती है, रिंग सर्कल टाइप। तो इन्हां विच्चों असी ऑप्शन तुसी फस्ट कह लो जां ऑप्शन सैकेंड, दोनों जिहड़ियां असी गार्डिंग जिहड़ी आ वह यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, जिस दे विच कापर की जगह अजकल एलूमीनियम दी कंडक्टर वजों क्यों कीती जाती है। इसका कारण की है कि एलूमीनियम की टेंसिल स्ट्रेंथ कापर नाल वध हुंदी है, जां एलूमीनियम की रजिस्टेंस कापर नाल घट हुंदी है, जां यह आम मिलदा अते सस्ता है, जां इहनां विचों कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यह आएगा कि यह आम मिलदा है और यह कॉपर नालों सस्ता है, इस करके कॉपर की जगह पर अजकल एलूमीनियम के कंडक्टर की वरतों की जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, जिस दे विच आइसोलेटर सर्कट नूं कट्टण दे लई कदों वरतों की जाती है। आइसोलेटर असी कदों उसकी वरतों करते हैं सबस्टेशन दे विच, जदों लोड पूरा होवे, जदों लाइन लाइव होवे, जदों लाइन विच करंट ना होवे। तो ऑप्शन थर्ड आना आइसोलेटर असी उदों ही यूज़ करते हैं जदों लाइन दे विच करंट ना होवे। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर आ जाएगा 62 दा, जदों लाइन दे विच करंट ना होवे उदों असी आइसोलेटर यूज़ करते हैं। उस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 63 है, जिस दे विच है सिस्टम दा पावर फैक्टर फेज अंतर विच किस तरह दर्शाया जाता है। कोस दे नाल साइन टैन दे सीकेंट, एक कोस कोसाइन थीटा कोसाइन दे नाल शो किया जाता पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू असी मैक्सीमम 1 लैने। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, जिस विच है कि न्यूक्लीयर प्लांटा दी किहड़ी किस्म दी टरबाइन दी वरतों की जाती है।
ऑप्शन है भाफ़ वाली, तेल वाली, पानी वाली, जां इन्हां विच्चों कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर है जी, भाफ़ वाली। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, जिस दे विच है कि कंडेंसर की कपैसिटी किस ते निर्भर करती है, प्लेटा दे खेत्रफल दे नाल, जां प्लेटा दा आपसी फासला, जां डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जां उपरोक्त सारे। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सारिया ते निर्भर करती है, प्लेटा दा खेत्रफल दे भी निर्भर करती है, प्लेटा दे विच आपसी फासला और डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन लास्ट इज़ द राइट आंसर है जी। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, जिस दे विच है कि कपैसिटर विच हेठ लिखिया विचों केड़ा पदार्थ डायलैक्ट्रिक वजों वरत्या जाता है। ऑप्शन है साढ़े को जी हवा, कागज़, माइका या सारे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कपैसिटर विच हेठ लिखे केड़ा पदार्थ डायरैक्ट्रिक वजों वरत्या जाता है, हवा, कागज़, माइका, सारे ही। ऑप्शन लास्ट इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 67, जिस दे विच एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दी रेलवे क्रॉसिंग संघनी आबादी या दरियावां दी क्रॉसिंग करते समय किस किस्म की गार्डिंग की जाती है। 67 तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन है इसे रिंग गार्डिंग, कारपेट गार्डिंग या बॉक्स गार्डिंग या क्रेडल गार्डिंग। तो 67 का जो राइट आंसर है ये असं करते हैं जी बॉक्स गार्डिंग, बॉक्स गार्डिंग यूज़ करनी है। 67 इसका जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, जिस दे विच है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइना दे विच डेड एंड पोल ते जोड़ दा घट्टो घट किन्ना फासला होना चाहिए, 6 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ईडी है, 7.5 मीटर का फासला होना चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन है 69 है, जिस जब मेन केबल नाल सर्विस केबल जोड़नी हो किस किस्म का जोड़ लगाया जाता है, जब मेन केबल दे नाल सर्विस केबल जोड़नी हो किस किस्म का जोड़ लगाया जाता है। 69 जिसका ऑप्शन है टी जोड़, सीधा जोड़, मैरिड जोड़ या तिना विचों कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जी टी जोड़। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, जिस दे विच एक पोल ते वद तो वद किन्नियां सर्विस लाइना खिचियां जा सकदियां हन। ऑप्शन 2, 4, 3 ते 5। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर है जी 4 लाइना। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, जिस दे विच डिस्ट्रीब्यूशन लाइना दे विच जंपर लाउन लई केड़ा क्लंप वरते जाते हैं, पीजी क्लंप, डी स्ट्रैप, देसी क्लंप या जिस्सी क्लंप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है जी पीजी क्लंप जड़े है वो वरते जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन 72 है, जिस हेठ लिखिया केड़ी अर्थिंग की किस्म नहीं है, स्थाई अर्थिंग, अस्थाई अर्थिंग, पाइप अर्थिंग या मैटल अर्थिंग। तो ऑप्शन लास्ट ए नहीं है जी, मैटल अर्थिंग कोई भी अर्थिंग की किस्म नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन है 73 है, जिस दे विच है कि एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइना ते गॉड सब स्टेशन की अर्थ रजिस्टेंस वध तो वध। क्वेश्चन है एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइना ते ग्रिड सब स्टेशन की, एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइना अते ग्रिड सब स्टेशन की जिहड़ी अर्थ रजिस्टेंस है वध तो वध किन्नी होनी चाहिए है। इस ऑप्शन है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ते 4 ओम। इसका राइट आंसर है जी वध तो वध किन्नी होनी चाहिए है ग्रिड सब स्टेशन की जो अर्थ रजिस्टेंस है जी 1 ओम। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, जिस दे विच पावर प्रोजेक्टा ते अर्थिंग दा वध तो वध रजिस्टेंस किन्ना होना चाहिए है। अगर असी पावर प्रोजेक्टा की गल करते हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम या 0.5 ओम या 4 ओम। इसका राइट आंसर है जी 0.5 ओम। नैक्सट क्वेश्चन है 75, जिस दे विच लाइटनिंग अरेस्टर दी अर्थ रजिस्टेंस वध तो वध किन्नी हुंदी है, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम या 10 ओम। तो इसका राइट आंसर है जी 2
ओम इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, जिस विच है कि 60 kV लाइना दे टावर दी फिटिंग जो फुटिंग रजिस्टेंस वद तो वद किन्नी होनी चाहिए। 60 kV लाइना दी जो फुटिंग रजिस्टेंस है वद तो वद किन्नी होनी चाहिए, 4 ohm, 7 ohm, 9 ohm या 10 ohm इज द राइट आंसर है जी। 7 ohm इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, जिस दे विच 132 kV लाइना दे टावर दी फुटिंग रजिस्टेंस वद तो वद किन्नी हुंदी है। 77 और ऑप्शन है 5 ohm, 12 ohm, 13 ohm या 16 ohm इज द राइट आंसर है जी, 13 ohm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 kV लाइन दे टावर दी जो फुटिंग रजिस्टेंस है वद तो वद किन्नी होनी चाहिए है, 6 ohm, 14 ohm, 22 ohm या 27 ohm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ईडी है जी, 22 ohm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, जिस सब स्टेशन दे दोनों पोलों का जो आपसी फासला है किन्ना होना चाहिए, उन्होंने फासला 1700 mm का, 1750 mm का, 1800 mm या 1850 mm। तो इसका राइट आंसर है जी, 1850 mm का इन्हां दे विच सब स्टेशन जिहड़े दोनों पोल है इन्हां दे विच इन्ना फासला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, जिस दे विच सब स्टेशन द ट्रांसफार्मर बैड जमीन तो किन्ना उच्चा होना चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 80, 2000 mm, 2400 mm, 2800 mm या 3000 mm इस दा जो राइट आंसर आ जाएगा जी, 2400 mm इस दा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, जिस विच कि सब स्टेशन दी एलटी स्विच दी जमीन तो ऊंचाई किन्नी होनी चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 81, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर दे, 4 मीटर दे, इसका राइट आंसर आ जाएगा जी 81 दा 2 मीटर, 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को 82, जिस विच है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेशियो की होंगी है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेशियो की होंगी है, 11 kV तो 0.4 kV या 12 kV, 0.4 kV ए तो नहीं होएगी, 11.5 kV, 230 kV ए भी नहीं होएगी, और 11 kV, 230 V ए भी नहीं होएगी। इस दा राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है जी, 11 kV, और तुसी कह सकते हो 0.4 kV, ठीक है जी, या तुसी कह सकते हो 400 V, 400 V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, जिस विच है ट्रांसफार्मर दे विच लगे रेडिएटर दा काम की होंदा है, ट्रांसफार्मर दे विच रेडिएटर दा काम की होंदा है, ट्रांसफार्मर दी बॉडी नू सोना बनांदा है, ट्रांसफार्मर दे तेल नू स्टोर करदा है, या ट्रांसफार्मर तेल नू ठंडा करदा है, या ट्रांसफार्मर दे रेडिएटर लगे ही नहीं होंदे। इस दा ऑप्शन है कि ट्रांसफार्मर तेल नू ठंडा करदा है रेडिएटर, रेडिएटर की करदा है ट्रांसफार्मर दे तेल नू ठंडा करदा है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, जिस विच डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दी जिहड़ी एलटी वाइंडिंग दे कनेक्शन किस तरह कीते होंदे, एलटी दे स्टार दे विच, डेल्टा दे विच, ते स्टार या डेल्टा विच या सीधे फेस ही जोड़े होंदे हन। तो इसका ऑप्शन है जी, जो एलटी दे जो वाइंडिंग दे कनेक्शन है वो स्टार दे विच कीते होंदे है, क्योंकि स्टार दे विच साडे कोल 3 फेस ते 1 न्यूट्रल वायर आंदी है, इस करके उहदे जो एलटी दे कनेक्शन है वो स्टार दे विच कीते जांदे है। अगर असी एचटी दी गल करदे हां ते एचटी विच जो कनेक्शन है वो डेल्टा दे विच कीते जांदे है, उस दे विच 3 फेस ही यूज़ कीता जांदा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, जिस विच है कि 100 kVA ट्रांसफार्मर दे लई किहड़े साइज़ दा एलटी स्विच किस समर्था दा हुंदा है, 100 kVA ट्रांसफार्मर दे लई किहड़े साइज़ दा एलटी स्विच किस समर्था दा हुंदा है, 50 A, 200 A, 100 A ते 150 A।
इसका जो राइट आंसर है वो आ जाना जी 200 एम्पीयर इज़ द राइट आंसर आ जाना है। तो फ्रेंड्स अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना और जिन्होंने इस दे दो पार्ट नहीं देखे वो इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे विच इसका लिंक मिल जाएगा और तुसी वो वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।